नमस्कार हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड नाइन्टीन की चुनौती का सामना कर रहा है कोविड नाइन्टीन अभी ख़त्म नहीं हुआ है ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं कोरोना से बचाव के लिए ज़रूरी है नियमित रूप से हाथ धोना मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना याद रखिए दो गज़ दूरी मास्क है ज़रूरी खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर वन पर संपर्क करें गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन दिस इज वैशाली दुबे फ्रॉम डिस्टिकशनवाड़ा एंड स्टूडेंट्स नाउ टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऐसे राइटिंग फॉर क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स कक्षा बारहवीं में ऐसे राइटिंग पे आपको सेवन मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सिमिलरली क्लास इलेवेंथ में भी ऐसे राइटिंग पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एनुअल एग्जाम में सो लेट्स को सबसे पहले जानेंगे वॉट इज एन ऐसे एन एस ए इज अ ग्रुप ऑफ पैराग्राफ्स रिटर्न अबाउट सिंगल टॉपिक एंड अ सेंट्रल मेन आइडिया एक जो निबंध होता है ये पैराग्राफ्स का समूह होता है कहना चाहिए और ये किसी एक सिंगल टॉपिक पे और सेंट्रल मेन आइडिया पे लिखा हुआ होता है इट मस्ट पैराग्राफ्स इसमें कम से कम Uh, तीन पैराग्राफ तो होने चाहिए बट अब फाइव पैराग्राफ्स एसे इज अ कॉमन लेंथ फॉर एकेडमिक राइटिंग शैक्षिक स्तर की जो राइटिंग होती है उसमें पांच पैराग्राफ में ऐसे राइटिंग कॉमनली की जाती है एन एसे हैज थ्री मेन सेक्शन इसके तीन मुख्य भाग होते हैं फर्स्ट वन इज एन इंट्रोडक्शन दैट स्टेट्स द टॉपिक ऑफ द एसे एंड मेक अ पॉइंट थ्रो द थीसिस स्टेटमेंट इसमें एक इंट्रोडक्शन का पॉइंट होता है सबसे शुरू में जो ऐसे के टॉपिक को बताता है और साथ ही इसमें जो भी इसके थीसिस स्टेटमेंट होता है मतलब निबंध का जो प्रसंग या वर्णन करना होता है उस पर पॉइंट बने होते हैं थीसिस मीन्स डिजर्टेशन कॉन्टेक्स्ट या थीम यानी कि व्याख्या या कोई संदर्भ या किसी टॉपिक विशेष पे समझाना ये ऑनलाइन डिक्शनरी से हमने ये वर्ड फाइंड आउट किए हैं सपोर्टिंग और बॉडी पैराग्राफ्स हाँ जो इसका सेकंड सेक्शन होता है इसमें सपोर्टिंग या बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं दैट कंटेन द सपोर्टिंग पॉइंट दैट एक्सप्लेन द डिटेल्स ऑफ द टॉपिक जिसमें सपोर्टिंग पॉइंट्स सम्मिलित होते हैं जो किसी टॉपिक के डिटेल को समझाते हैं या बताते हैं लास्ट वन इज अ कंक्लूजन पैराग्राफ इसमें आखिरी में कंक्लूजन uh, पैराग्राफ होता है दैट टाइज ऑल द पॉइंट्स ऑफ द ऐसे टुगेदर एंड री योर मेन पॉइंट ये सारे पॉइंट्स को एक साथ जोड़े रखता है या बांधे रखता है और साथ में इसमें आखिरी में एक बार फिर से हमको मेन पॉइंट्स को लिखना होता है कंक्लूजन में सो so, स्टूडेंट्स आप समझ ही गए होंगे कि ऐसे राइटिंग में थ्री मेन जो सेक्शन होते हैं फर्स्ट वन इज एन इंट्रोडक्शन सेकंड वन इज सपोर्टिंग पैराग्राफ बस यही आपका एक एग्जैक्ट फॉर्मेट हुआ एग्जैक्ट सेक्शन uh, हुआ किसी ऐसे राइटिंग का प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट हम देखेंगे कि ऐसे किस uh, फॉर्मेट में लिखा जाता है कवर पेज इसमें टाइटल या हेडिंग ऑफ द ऐसे मेंशन की जाती है हमको जिस भी टॉपिक पर मेंशन जिस भी टॉपिक पर हम ऐसे राइटिंग करते हैं उसके टाइटल को या हेडिंग को इसमें कवर पेज पे हम लिखने लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम ग्रेट लीडर पे या न्यूज़पेपर पे या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पे या कोरोना वायरस डिजीज पे जिस पे भी हम ऐसे लिखेंगे तो जो हमने नाम अभी लिए हैं यही इसके टॉपिक होंगे इस अलग अलग जो भी टॉपिक होगा उसे सबसे ऊपर हेडिंग में या टाइटल के रूप में लिखा जाता है इसके बाद में इंट्रोडक्शन अभी हमने देखा था ऐसे के थ्री मेन सेक्शन में फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्शन होता है इंट्रोडक्शन में जो है थीसिस स्टेटमेंट व्हाट इज द मेन आइडिया यू विल बी डिस्कसिंग जो भी मेन आइडिया हम इसमें डिस्कस करने जाएंगे उसी के थीसेस स्टेटमेंट को इसमें लिखा जाता है मतलब निबंध का जो प्रसंग होता है ना वह इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है लिखने का जो तरीका है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू थ्री मेन पॉइंट्स यू विल बी डिस्कसिंग इन रिलेशन टू योर थीसेस स्टेटमेंट यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होता है यह संक्षिप्त और साथ में इसमें तीन मेन पॉइंट्स इसमें दिए जाते हैं जो भी हमारे निबंध के प्रसंग होते हैं उन जिनको हमको वर्णन करना है आगे एग्जाम आगे के ऐसे में उससे रिलेटेड इंट्रोडक्शन को ब्रीफली इसमें मेन पॉइंट्स के तीन मेन पॉइंट्स के साथ लिखा जाता है जानेंगे किस तरीके से लिखते हैं पॉइंट वन री स्टेट द फर्स्ट हाफ योर थ्री मेन पॉइंट इसमें सबसे शुरू में आप अपने तीन मेन पॉइंट्स जो आपने सेलेक्ट किया है इंट्रोडक्शन में उसमें पहले पॉइंट को आप यहाँ फिर से कहते हैं ऑफर एन एग्जाम्पल एज टू वाई दिस पॉइंट सपोर्ट योर थी सेटमेंट और आपके निबंध का जो प्रसंग है उससे रिलेटेड आप उससे कोई एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि ये कि किस तरीके से ये जो उदाहरण है ये इस पॉइंट को सपोर्ट कर रहा है गिव प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल आ कोटेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स और इससे रिलेटेड आप प्रूफ दें जो भी आपका एग्जाम्पल आप यहां शो कर रहे हैं और उसमें रिलायबल सोर्स से कोई कोटेशन आप लिखें डिस्कस इन मोर डिटेल यू कैन इंक्लूड ओपिनियन आप यहां पर मोर जो भी और अतिरिक्त डिटेल है उसको डिस्कस करें और ओपिनियन भी दे सकते हैं पॉइंट टू सिमिलरली पॉइंट बन के जैसे ही बट यहां पर सेकेंड पॉइंट हम यहां पर लिखते हैं री एस्टेट द थ्री द सेकेंड ऑफ योर थ्री मेन पॉइंट्स जो भी आपके तीन मेन पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में थे उसके सेकेंड पॉइंट को यहां पर आपको फिर से कहना है ऑफर एन एग्जाम्पल एज टू वाई दिस पॉइंट सपोर्ट्स योर थीसिस स्टेटमेंट एग्जाम्पल दें इस पॉइंट के सपोर्ट के लिए गिव प्रूफ ऑफ दिस एग्जाम्पल आ कोटेशन फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स इसमें भी आपके एग्जाम्पल के लिए आप प्रूफ दें और रिलायबल सोर्स से कोई कोटेशन लिखें डिस्कस इन मोर डिटेल और भी अतिरिक्त कुछ डिटेल है तो उसको डिस्कस करें और ओपिनियन भी दें सिमिलरली पॉइंट थ्री री स्टेट दर्ड ऑफ योर थ्री मेन पॉइंट तीसरे में से जो तीसरा मेन पॉइंट है उसे यहां पर आप फिर से कहें ऑफर एन एग्जाम्पल एस टू वाई दिस पॉइंट सपोर्ट योर थी स्टेटमेंट यहां पर फिर आपको एग्जाम्पल के फॉर्म में Uh, uh, कुछ uh, बातें लिखना है जिससे क्लियर हो कि आपका ये पॉइंट जो है कैसे आपके निबंध के कथन को स्पष्ट कर रहा है और उस उस एग्जांपल के लिए आप प्रूफ दे दें uh, दे आप कोटेशन फ्रॉम रिलायबल सोर्स डिस्कस इन मोर डिटेल यू कैन इंक्लूड ओपिनियन और यहाँ अपनी राय भी दें और अतिरिक्त डिटेल आप यहाँ पर डिस्कस करें कंक्लूजन रिमाइंड द रीडर अबाउट द अमेजिंग आइडियाज यू जस्ट प्रेजेंटेड इन योर एसी बाय जो पाठक हैं रीडर यानी पाठक को अद्भुत विचार के बारे में याद दिलाएं जिसे आपने अभी अपने अभी अभी, अभी, अभी अभी अपने निबंध में प्रस्तुत किया है इसमें कैसे कर सकते हैं री स्टेटिंग योर थीसिस स्टेटमेंट अपने निबंध कथन को फिर से शुरू करना समराइजिंग योर मेन पॉइंट्स और अपने मुख्य बिंदुओं का सारांश यहां पर लिखना इस तरीके से आपका कंक्लूजन कंप्लीट होता है बिब्लियोग्राफी यहाँ पर इसे हिंदी में संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं स्टूडेंट्स विब्लियोग्राफी का यूज ऐसे राइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण होता है एग्जाम में तो आपको याद करके ही ऐसे लिखना है बट यदि आप पहले पहले से कोई ऐसे राइटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है यू मस्ट लिस्ट ऑल ऑफ द रिसोर्सिस बुक्स मैगजीन्स न्यूज पेपर्स इंटरनेट साइट्स एनसाइक्लोपीडियाज एट्सट्रा दैट यू यूज टू फाइंड इन्फॉर्मेशन फॉर योर ऐसे आपके निबंध के लिए आप इन सभी स्रोत जो जितने रिसोर्स लिखे हुए हैं इन रिसोर्सों को कलेक्ट करें और इन जो माध्यम हैं जैसे बुक्स हैं मैगज़ीन्स हैं न्यूज़पेपर्स हैं इंटरनेट साइट्स हैं डिक्शनरी हैं इससे आप हेल्प लें अपने ऐसे को सुंदर बनाने के लिए और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप इसमें कलेक्ट करें और एक अच्छी राइट ऐसे राइटिंग आप इससे कर सकते हैं वॉट इज द क्राइटेरिया इन गुड ऐसे राइटिंग एक अच्छे ऐसे लेखन की या निबंध लेखन की क्या क्राइटीरिया होते हैं क्या मुख्य बिंदु होते हैं जानेंगे फर्स्ट द टॉपिक चूजन मस्ट बी द टॉपिक दैट यू आर इंटरेस्टेड विथ हमको वही टॉपिक इसमें चुनना होता है चुने गए विषयों में वह हमें विषय चुनना होता है जिसमें हम रुचि रखते हैं या आप जिसमें रुचि रखते हैं उसी विषय को आप यहाँ चुने द टॉपिक ऑल्सो डिटरमाइंड बाय और एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड द एबिलिटी एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो आपके टॉपिक हैं ये निश्चित आप कर लें कि आपका जो मौजूदा ज्ञान है और जो संसाधन है जो भी एवेलेबल एबिले, रिसोर्स हैं उनकी उपलब्ध उपलब्धता के द्वारा आप इन टॉपिक को क्या कर लें चुने ताकि आप अच्छे से ऐसे राइटिंग कर सकें यू मस्ट ऑल्सो कंसिडर द रीडर्स द सिचुएशन फॉर द ऐसे टू बी रिप्रेजेंट और जिसको भी आप ऐसे लिख रहे हैं जिनके लिए जो रीडर्स हैं आपके पाठक हैं उनके सिचुएशन को भी ध्यान में रखते हुए आपको ऐसे लिखना है लास्टली यू मस्ट ऑलवेज थिंक ऑफ वॉट इज द पर्पज ऑफ द ऐसे एंड आइडियाज मस्ट बी अरेंज इन अ लॉजिकल ऑर्डर आखिरी में आपको ये जरूर सोचना है कि आपका जो निबंध लेखन का पर्पज है वह क्या है और जो भी आपके आइडियाज हैं जो भी तर्क हैं उनको आप लॉजिकली अरेंज करके लिखें मतलब लॉजिकली लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिखें एक सीक्वेंस हो कहना चाहिए आपकी ऐसे राइटिंग में ये मेन होता है किसी भी एक गुड ऐसे में चलिए हम यहाँ एक टॉपिक डिस्कस करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मून और बैन और साइंस ब्लेसिंग एंड करसेस बहुत ही कॉमन टॉपिक हमने यहाँ लिया है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए ये उपयोगी भी हो सकता है टॉपिक uh, को चूज करना हमने अभी देखा था इंट्रोडक्शन में uh, सबसे शुरू में उसमें मेन पॉइंट्स को इंट्रोडक्शन में समझाया जाता है टॉपिक हम जो लिए हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी उसकी जो टेक्नोलॉजीज हैं विज्ञान ने हमें जो दी हैं बून यानी वो वरदान है या प्रतिबंधित होना चाहिए या वे प्रतिबंधित हैं या इसका सेकंड फॉर्म हमने लिखा विज्ञान ब्लेसिंग एंड कर्सेस विज्ञान के जो आ, ब्लेसिंग्स दिए हैं जो हमें चमत्कार के रूप में जो हमको उससे आशीर्वाद मिले हैं या अभिशाप करसेज यानी होता है अभिशाप तो इस टॉपिक पे हमने ऐसे राइटिंग की है इंट्रोडक्शन में हमने जैसे देखा था कि इंट्रोडक्शन जो होता है वो मेन पॉइंट को सपोर्ट करते हुए जो आपके थीसिस स्टेटमेंट होता है मतलब निबंध का जो प्रसंग होता है उससे रिलेटेड होना चाहिए तो इंट्रोडक्शन में हमने लिखा है द फर्स्ट रिवोल्यूशन इन ह्यूमन लाइफ केम व्हेन मैन डिस्कवर्ड फायर एंड सेकेंड वन वेन ही डिस्कवर्ड द व्हील हमने शुरुआत बिल्कुल ऐसी की खोज से क्योंकि विज्ञान का जो मेन कॉन्सेप्ट है डिस्कवरिंग यानी खोज पर आधारित है इसलिए हमने इससे रिलेटेड बात की कि जो पहला पहली क्रांति आई वो आ, जो आई थी वो आग आग से यानी आग की खोज और दूसरी जो थी वो व्हील यानी चके की खोज दीज टू बिकम द फोर रनर्स ऑफ ऑल द लेटर डेवलपमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यही दो जो है आगे के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास में फोर रनर के रूप में काम आए बून भाई हम जानेंगे कि विज्ञान ने हमें क्या क्या वरदान दिए उससे हमें क्या सुविधाएं मिली इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज पैलवेबल इन ऑल वॉक्स ऑफ आवर लाइफ हमारे जीवन के हर क्षेत्र में स्पष्ट रूप से हम जानते हैं कि साइंस का प्रभाव और टेक्नोलॉजी का हमें मिलता है देखने को वी हैव अवर टीवी रेडियो एंड म्यूजिक सिस्टम हमारे पास हमारे टीवी रेडियो म्यूजिक सिस्टम है अवर न्यूज पेपर्स एंड मैगजीन्स और साथ में समाचार पत्र और मैगजीन्स हैं व टू गो टू वर्क ऑन अ वाइसिकल एज वी हैव अवर स्कूटर मोटर बाइक आर कार और हमारे पास अब जो है काम के लिए साइकिल से जाने की जरूरत नहीं है हमारे पास हमारी स्कूटर मोटर बाइक और या कार भी है द हाउस वाइफ हैजर एंड डज नॉट सफर द कन्वेंशनल चूल्हा एंड इट्स स्मोक जो घरेलू महिलाएं हैं वो टैप वाटर यूज कर रही हैं मतलब उनके पास अब पानी जो है वो नलों में आ रहा है और वे कन्वेंशनल चूल्हा जो है उससे सफर नहीं कर रही हैं और ना ही उसके धुएं से वो प्रभावित है शी हैज़ हर गैस स्टोव उसके पास उसका गैस स्टोव है इलेक्ट्रिक कुकिंग रेंज एंड माइक्रोवेव ओवन शी ऑल्सो हैज़ हर वाशिंग मशीन एंड इलेक्ट्रिक आयरन उसके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो साइंस ने ही है। दिए हैं

जो फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक है और कीटनाशक भी हैं पंप से वो करते हैं और बम्पर ईल्ड प्राप्त करते हैं मतलब पर्याप्त बहुत अधिक मात्रा में उनके पास जो है कृषि उपज प्राप्त होती है वाइल्ड गोइंग प्लेसेज वी डोंट हैव टू डिपेंड ऑन द बुलाक कार्ट आर हॉर्स कैरिएज एज वी हैव बसेज ट्रेन एंड इवन एयरप्लेन्स और यदि जाने की बात की जाए तो हमारे पास जो है अब हम बैल बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी पर डिपेंड नहीं है हमारे पास बस ट्रेन और एयरप्लेन हैं दे मेक द श्रिंक एंड अ लॉट ऑफ अवर टाइम अपार्ट फ्रॉम मेकिंग अवर जर्नीज कंफर्टेबल उसने जगह को श्रिंक कर दिया है छोटा कर दिया सिकोड़ दिया है और हमारे बहुत सारे समय की भी बचत होती है और इसके साथ साथ हमारी जो यात्रा है वह आरामदायक भी हो गई है And when, और जब as patients, किसी रोगी के जैसे वी गो टू अ डॉक्टर ही डज नॉट अ लॉट ऑफ टेस्ट कंडक्टेड इन ऑर्डर टू डायग्नोज अबर इलनेस एंड गिव अस प्रॉपर ट्रीटमेंट यदि हम किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो अब वो है गैसिंग पर हमको यानी गैस करके ट्रीटमेंट नहीं करते बल्कि वो हमारे बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं और उसके आधार पे वो हमारी जो न, न, डिजीज है या बीमारी है उसको डायग्नोज करते हैं और उसके साथ उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो हमें देते हैं एंड 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 एडवांस इन सर्जरी आर रियली अमेजिंग और आधुनिक में तो जो सर्जरी है आधुनिक युग में ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक हो गई है सर्जन्स नाउ परफॉर्म ओपन हार्ट बायपास ना अब ओपन हार्ट बायपास और किडनी ट्रांसप्लांट तक भी कर रहे हैं द बैन क्या भाई इसमें प्रतिबंध या रोग के रूप में क्या होना चाहिए इनको पढ़ेंगे बट वी ऑल्सो हैव द राइफल्स एंड गर्ल्स टू फायर शेल्स एंड इवन इवन एंड इवन एटम बॉम्ब्स कैपेबल ऑफ वाइपिंग अवर सिविलाइजेशन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ परंतु अब हमारे पास जो है राइफल्स गन्स आ, फायर सेल्स ये कुछ ऐसे खतरनाक चीजें और यहाँ तक कि एटम बॉम्ब हैं जो सक्षम है पूरे दुनिया से पूरे मानव जीवन के अस्तित्व को आ, वाइप करने यानी गायब करने के लिए

बॉम्ब्स को जो है शत्रु के शहर तक पहुंचाने के लिए एयरप्लेन्स की अब जरूरत नहीं है बल्कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो रॉकेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है वो ही इन्हें वहां पहुंचा देती हैं तो ये थोड़ी सी हमने उन कंडीशन को यहाँ डिस्कस किया जो प्रतिबंध मा, या रोक या मनाही के रूप में साइंस में होना चाहिए कंक्लूजन यहाँ लास्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और हमने देखा था कंक्लूजन में जो थ्री मेन पॉइंट्स होते हैं या इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट्स या बीच के जो हम सपोर्टिंग पैराग्राफ में जो सब सारी चीजें पढ़ी उस चीज को के साथ साथ इंट्रोडक्शन के पॉइंट को हम एक बार फिर से रीस्टेट करते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन uh, है सावधानी है उसको डिस्कस करेंगे uh, हमने लिखा दस एडवा दस एडवांस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नीदर आर नीदर अ बून नॉर बैन नीदर अ ब्लिश नॉर कर्स हमने ये दो लाइन स्पष्ट कर दी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो आधुनिक है ये ना तो वरदान है ना ही अभिशाप ना ही आशीर्वाद है और ना ही कोई श्राप इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज देम पॉजिटिव पॉजिटिवली और नेगेटिवली ये निर्भर करती है कि हम उसे उपयोग कैसे करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव साइंस हैज हैजॉट एस टू फ्लाई लाइक बर्ड्स इन द स्काई एंड स्विम लाइक फिश इन द ओशंस बट इट हैज नॉट टॉट एस टू नॉट टॉट अज हाउ टू वॉक ऑन द अर्थ यहां पर हमने एक कोटेशन के फॉर्म में लिख दिया कि विज्ञान ने हमें सिखाया है कि कैसे पक्षियों की तरह आकाश में उड़ें या कैसे महासागरों में फिश की यानी मछलियों की तरह तैरें पर उसने यह नहीं सिखाया है कि पृथ्वी पर हम कैसे चलें ये कोटेशन डाल दिया इफेक्टिव हो गया ना द थर्ड वर्ल्ड वॉर मिसाइल्स बट द फोर्थ विल बी स्टोन्स एंड ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौथा तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो बॉम्ब्स यानी बॉम्ब्स और मिसाइल्स से होगा लेकिन जो चौथा विश्व युद्ध होगा तीसरा बॉम्ब्स हो हो और मिसाइल्स से होगा और चौथा जो विश्व युद्ध होगा वह uh, पत्थरों और एरोज यानी धनुष तीर कमान से होगा सोचने वाली बात है कि ये लाइन क्यों लिखी है ऑब्वियसली आप जानते हैं कि पूरे जो संसाधन है वो खत्म हो जाएंगे तो फिर आ, आगे, आगे वही बचेगा जो नेचुरल पृथ्वी में जो चीजें हैं इसलिए ये लाइन यहाँ बहुत इफेक्टेड है एक और कोटेशन हम डाल हमने इस पर ऐड किया साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड बट बैड मास्टर विज्ञान अच्छा नौकर है पर बुरा मास्टर मतलब विज्ञान को अपने पर हावी नहीं होने देना उसे सर्वेंट बना के रखना जो हम कहें सिर्फ वही काम वह करें सो so, स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि किस सीक्वेंस में हमने ऐसे लिखा आप इसे अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा और मेरा हिंदी में अर्थ बताने का आपको सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप इसे समझ गए होंगे और इसे याद करें एग्जाम में आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है इसके जस्ट बाद एक सेकंड टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसे भी आप हम डिस्कस करेंगे ऐसे ऑन कोरोना वायरस इसका एक और नाम कोविड नाइन्टीन इस पर लिखा हुआ है आप जानते हैं इसमें भी हम इंट्रोडक्शन में वही मेन चीज डिस्कस करेंगे जिससे जो हमारे थीसेसि थीसेज स्टेटमेंट को जो सपोर्ट uh, करती बात हो uh, बातें हों उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे हमने यहाँ लिखा है सम वन हैज करेक्टली सेट दैट इफ हेल्थ इज गॉन एवरी थिंग इज गॉन किसी ने सही ही कहा है कि यदि स्वास्थ्य चला गया तो सब चला गया हेल्थ इज वेल्थ एंड नथिंग सुप्रीम देन वॉट अवर हेल्थ स्टैंड एट द प्रेजेंट हेल्थी पर्सन वेदर रिच आर पुअर लीव्स मोर हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ देन एनी रिच पर्सन हैविंग अ डिजीज बॉडी और हेल्थ जो है वह मतलब स्वास्थ्य जो है वही धन है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है एक रोगी व्यक्ति की तुलना में यदि वह गरीब है या अमीर इससे कोई मतलब नहीं है वह व्यक्ति ज्यादा सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीता है जो स्वस्थ है देयर आर अ नंबर ऑफ रूट्स बाय विच अ पर्सन कैन बिकम इन्फेक्टेड विथ एन इन्फेक्शन एजेंट बहुत सारे ऐसे रास्ते बताए गए हैं या रास्ते हैं जिनसे कोई व्यक्ति इंफेक्टेड हो जाता है infection agents के अनादर जो इन्फेक्शन डिजीज कहलाती हैं जो बैक्टीरिया वायरस और फंगस आदि या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं. कोविड नाइनटीन नाव अ डेज जो एक संबंधी बीमारी है जिसे कोविड नाइन्टीन कहा गया पूरे विश्व में फैली है फैलते जा रही है कोविड नाइन्टीन वॉज फर्स्ट आईडेंटिफाइड ड्यूरिंग दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन इन वुहान सिटी ऑफ चाइना कोविड नाइनटीन जो है वो पहली बार आइडेंटिफाई uh, हुई दिसंबर uh, 2019 में बुहान सिटी चाइना में कोविड 19 इज नाउ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेथ एक्रॉस द वर्ल्ड कोविड 19 के कारण अब जो है पूरे विश्व में बहुत अधिक मात्रा में जो है मृत्यु हो चुकी है या हो रही है ये बहुत सारे डेथ का रीजन बन रहा है ये कह सकते हैं एनी सर्टिफाइड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड नाइनटीन हैज नॉट बीन डिस्कवर्ड अभी तक कोई भी ट्रीटमेंट कोविड नाइन्टीन का नहीं खोजा जा चुका है सिम्टम्स कॉमन सिम्टम्स आर फीवर ड्राई कॉफ़ ड्राई कॉफ़ ब्रीदिंग प्रॉब्लम सम पेशेंट्स ऑल्सो हैव एक्स एंड पेन्स नोजल कंजेंशन रनी नोज जो ऊपर सिम्टम्स लिखे हैं कि सर्दी खांसी बुखार सांस लेने में संबंधी कुछ कुछ लोगों को आ, दर्द और पेन भी होता है और रनी नोज इसके सिम्टम्स हैं हाउ डज कोविड नाइन्टीन स्प्रेड कैसे फैलता है जानेंगे कोविड नाइनटीन स्प्रेड्स मेनली वाई ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूसड एज अ रिजल्ट ऑफ कफिंग और स्नीजिंग ऑफ अ कोविड नाइनटीन इन्फेक्टेड पर्सन कोविड नाइन्टीन मेनली जो है वह फैलता है जो कोविड नाइन्टीन से इन्फेक्टेड व्यक्ति होते हैं उस व्यक्ति के जो सर खांसने और छींकने के से जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं उनके संपर्क में आने से प्रिवेंशन ऑफ कोविड नाइन्टीन इससे बचाव क्या लिखी क्या हो सकते हैं प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस गुड हाइजीन डू नॉट टोज एंड माउथ विधक्र हैंड्स वी आर मास्क एंश्योर ऑब्जेक्ट्स आर रेगुलरली क्लियर ये कुछ प्रिवेंशन के पॉइंट्स लिख दिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना प्रैक्टिस में डालना गुड हाइजीन एंड साफ सफाई की आदत डालना और अपने आँख नाक और मुंह को आ, गंदे हाथों से नहीं छूना मास्क पहनना और ये आप श्योर कर लें कि आप जिस भी सरफेस पे या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई चीज छी रहे तो वह साफ हो कंक्लूजन एट देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर डिजीज कॉज बाय अ नोबल कोरोना वायरस जैसे हम जानते हैं कि इसका कोई विशिष्ट उपचार अभी तक नहीं आया क्योंकि ये नोबल कोरोना वायरस के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है नया वायरस है पीपल शुड अंडरस्टूड बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना वायरस डिजीज जो लोग हैं उनको पता होनी चाहिए बेसिक इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस डिजीज से रिलेटेड वी अवेयर ऑफ फेक इन्फॉर्मेशन ऑब्लिक मिथ्स दैट मे सर्क्यूलेट बाय ऑनलाइन और जो फेक न्यूज होती हैं या जो मिथ्स होते हैं फॉल्स उनसे हमको ऑनलाइन सर्कुलेट होते हैं ये जो इंफॉर्मेशन इनसे सावधान होना चाहिए रहना चाहिए वी ऑल मस्ट फॉलो द डब्ल्यू एच ओ रूल्स और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल हैं उन्हें हमें जरूर पालन करना चाहिए ऑल अवर विशेष विल रियली वर्क और हमारी सभी की जो इच्छाएं हैं वह निश्चित रूप से काम करेंगी स्टे होम स्टे सेफ सो so स्टूडेंट्स आपने देखे कि किस तरीके से हमने यहाँ दो ऐसे राइटिंग की उनको इंट्रोडक्शन सपोर्टिंग बॉडी पैराग्राफ के साथ ने कंक्लूजन के साथ उसे एंड किए एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप इन दोनों ऐसे को अपनी कॉपी में लिखिए उन्हें याद कीजिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये परीक्षा में आ सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर एक चार चार दो पाँच पर संपर्क करें